हिंदुस्तान की स्टार रेसलर और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल के करीब आकर चूक जाने वाली खातून रेसलर विनेश फोगाट अपने घर पहुंच गई हैं। फोगाट को ओलंपिक फाइनल से पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था। इसके बाद लोगों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी। अपोजिशन ने इसे साजिश करार दिया था। अब विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने लिखा, जिन खातून पहलवानों की ब्रिजभूषण के खिलाफ अदालत में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी हटा ली है। विनेश फोगाट के इस इल्जाम पर हंगामा मच गया है। खुद दिल्ली पुलिस ने आगे आकर इस बारे में सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि PSO को फायरिंग और ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था। पुलिस में ये एक आम बात है, सिक्योरिटी लेने का कोई ऑर्डर नहीं है। अगर पुलिस एहलकार के पहुंचने में कोई देरी हुई है तो इसकी जांच की जा रही है। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।